हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिमुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं बात करती हूँ मेकअप, लाइफस्टाइल, फैशन और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। करने से पहले अपने कम्युनिटी पे मैंने आपसे पूछा था कि मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊं। मैक्सिमम वोटिंग जो मुझे मिली थी वो थी हेयर केयर एंड स्किन केयर के ऊपर। तो हेयर केयर के लिए मैं कुछ भी अभी नया ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक ऑनियन ऑयल यूज कर रही हूँ। वो ऑनियन ऑयल जो है वो ये है, ऑनियन ऑयल फ्रॉम ओरिगेंस। ये जो ब्रांड है ओरिगेंस, ये केमिकल फ्री ब्रांड है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है इसमें, कोई पैराबिन नहीं है। ये है इसकी इनर पैकेजिंग, इसके साथ आपको ये एक पंप मिल जाएगा। आप रेगुलर यूज करेंगे ये बॉटल तो आई थिंक 2 महीना आराम से चलेगा। काफी सारे ऑयल हैं इसके अंदर, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इस पैकेजिंग पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये ऑनियन ऑयल खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक कीजिए। इससे सिर्फ एक ही बेनिफिट है, आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम होगी, वो भी अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो। नेक्स्ट, ओरिगेंस की तरफ से मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स रिसीव किए हैं। इसमें है रीठा पाउडर, शिकाकाई पाउडर, देन आमला पाउडर एंड मुल्तानी मिट्टी पाउडर। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो की थी अपनी हेयर मास्क की, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो 1 डे चैलेंज की, और अगर इफेक्टिव है तो आप भी इसे यूज कीजिए। तो आज मेरे फेस में बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, नॉट इवन पाउडर। काफी दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, जस्ट बिकॉज मेरे फेस पे जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे दाने, इस तरह की पिंपल्स मेरे फेस पे हो रखी थी और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, जस्ट बिकॉज की वीडियो अगर शूट हम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो मेकअप अप्लाई करना ही पड़ता है, और मेरे स्किन पे मैं कुछ भी यूज करना नहीं चाहती थी। सो मैंने सोचा काफी फेस्टिवल्स आ रहे हैं और फेस्टिवल्स के लिए काफी सारी वीडियोस मैंने रेडी रखी है, तो क्यों ना मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक लूं और अपने स्किन पे ध्यान दूं। चलिए आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस वीक में मैंने ऐसा क्या नया प्रोडक्ट ट्राई किया जिससे मुझे काफी बेनिफिट मिला और इसका रिजल्ट भी मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने 1 टाइम अप्लाई किया था और 2nd टाइम मैं अभी आपके सामने अप्लाई करूंगी, तो लेट्स सी कि रिजल्ट क्या है इसका। तो जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ आपको पसंद आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप परचेज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जब भी इस तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं मैं अपने स्किन पे कुछ भी अप्लाई करना बंद कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पानी से फेस वॉश करती हूँ कम से कम 3 से 4 दिन, और इसके बाद मैं अपनी जो स्किन केयर है वो स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए ले रही हूँ, तो ये है वाव का विटामिन सी फेस वॉश। इससे मैं सबसे पहले अपने स्किन को क्लीन कर लूंगी। ड्राई स्किन है और ड्राई स्किन के लिए ये अभी तक का सबसे बेस्ट फेस वॉश है। मैं स्किन पे कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करती थी पहले, बट ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट लगा इसका। तो अभी सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो आप देख सकते हैं फेस वॉश का रिजल्ट कितना अच्छा, एक ही बार में इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी आप वाव स्किन साइन का फेस वॉश जरूर यूज करें। फेस को मैंने थोड़ा गिला ही रखा है और अब मैं यूज करने वाली हूँ स्क्रब। तो स्क्रब के लिए मैं यूज कर रही हूँ मैकैफिन स्क्रब। वीक में एक बार तो मैं इसे जरूर यूज करती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। खुशबू है वो एकदम कॉफी जैसी है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ टोनी मोली ब्रांड का ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स रिमूवर। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, ये मैं 2nd टाइम यूज कर रही हूँ। ये आपको नायका पे 50 रुपीज में मिल जाएगा। आपको इस तरह से अप्लाई करना है, अपने नोज को वेट कर लेना है और इसे अप्लाई करके 15 मिनट्स तक रखना है, इसके बाद इसे रिमूव करना है। तो मेरे नोज पे बहुत ज़्यादा व्हाइटहेड्स होते हैं तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ फेस पैक, और ये फेस पैक है ओरिगेंस रोज पेटल पाउडर से बना रही हूँ। इसके लिए मैं सिर्फ ले रही हूँ 2 टीस्पून पेटल्स पाउडर, और इसमें मैं ऐड करूँगी डाबर गुलाब जल। गुलाब जल जो होता है ये आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है,
एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, आपकी स्किन से रेडनेस हटाता है, एक्ने को दूर करता है और जो भी दाग धब्बे हैं उसे भी दूर करता है। वन डे स्किन केयर चैलेंज बहुत ही इफेक्टिव रहा है, और बट जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मेरे स्किन को सूट कर रही है वो आपके भी स्किन को सूट करे। तो बाय चांस अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सबसे पहले पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही अपने स्किन पे अप्लाई कीजिए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे। एंड फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड। एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नाउ विल मीट यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, बाय।